उत्तराखंड राज्य में चोरी और अपराधों की घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की ओर से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल कई लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी कड़ी में बनभूलपुरा पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए शुक्रवार रात गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को देर रात एक संदिग्ध युवक दिखा। वहीं जब पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस की ओर से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसएसपी नैनीताल की ओर से सभी थानों क्षेत्रों में अपराध पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते जिले के एसपी सिटी हरबंस सिंह ने पुलिस को हर समय तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बीती रात भी बनभूलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेतृत्व में थाना बनभूलपुरा टीम अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त पर निकली हुई थी। इस दौरान पुलिस को देर रात बनभूलपुरा निवासी 20 वर्षीय करण संदिग्ध रूप में घूमते हुए मिला, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने युवक की तलाशी ली। वहीं जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक बनभूलपुरा क्षेत्र में छिपकर रास्ते में आने जाने वाले राहगीरों को चाकू दिखाकर अवैध वसूली करता है। वहीं अब पुलिस टीम की ओर से आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा।